वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने जब गिरफ्तार किया तो इन चोरों ने दो वाहन चोरी और एक सेंधमारी का मामला भी उजागर किया। इन आरोपियों ने लकड़गंज, पांचपावली और कपिल नगर में वारदातों को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी रोहित तुषार वालदेव उम्र 19 वर्ष, श्री कॉम्प्लेक्स मोहम्मद रफी चौक यशोधरा नगर निवासी, शेख नौशाद हारून कुरैशी उम्र 20 वर्ष वनदेवी नगर यशोधरा नगर निवासी और शेख सुल्तान शेख मोहम्मद उम्र 23 वर्ष उपलवाड़ी शहनशाह चौक कपिल नगर निवासी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने दो वाहन चोरी और एक सेंधमारी का मामला उजागर किया है। आरोपियों ने लकड़गंज, पांचपावली और कपिल नगर में वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों से दो दोपहिया वाहन सहित करीबन 95,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। जूनी मंगलवारी लकड़गंज निवासी मोहम्मद शमीम हुसैन उम्र 50 वर्ष ने लकड़गंज थाने में वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चात क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना पर उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मी एपीआई भोपाळे युनिट 5 गुन्हे शाखा नागपूर शहरामध्ये परिमंडळ 5 अंतर्गत लकड़गंज पोलीस ठाणे येथे अपराध क्रमांक 327/2023 कलम 379 व पाचपावली पोलीस ठाणे अंतर्गत अपराध क्रमांक 614/2023 कलम 379 असे दोन चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। या नमूद दोन गुन्ह्यामध्ये एक पाचपावली पोलीस स्टेशन येथून स्प्लेंडर गाडी चोरी गेलेली आहे आणि लकड़गंज येथून सफेद रंगाची ॲक्टिवा गाडी चोरी गेली होती। या गुन्ह्याचा तपास करत असताना गुन्हे शाखेने आरोपी नामे रोहित तुषार वालदे राहणार यशोधरा आणि शेख नौशाद हारून कुरेशी राहणार यशोधरा या दोघांकडून नमूद दोन्ही चोरीच्या गाड्या हस्तगत केलेल्या आहे। पुढील कारवाईसाठी त्यांना लकडगंज पोलिसांनी येथे ताब्यात देण्यात आलेले आहे। मुद्देमालासह नमूद आरोपींवर याच्यापूर्वीही मालमत्तेविरोधी गुन्हे दाखल आहे नागपूर शहरामध्ये। यांच्यावर घरपोडीचे नाही पण वाहन चोरीचे वगैरे गुन्हे दाखल आहेत। यांच्यावर 379 कलम गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई केलेली आहे आणि पुढचा तपास लकडगंज पोलीस आणि पाचपावली पोलीस करत आहेत। इन बीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।